हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फतेहाबाद में किसान सभा ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना था कि प्रशासन के द्वारा फतेहाबाद जिले के किसानों को नहर के पास लगे ट्यूबवेल को उखाड़ने का नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि 75 मीटर के पास लगे सभी ट्यूबवेल उखाड़ दिए जाए। इसी के विरोध में आज किसान जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे। किसान सभा के प्रदेश संयोजक मनदीप नथवान ने बताया कि सरकार और प्रशासन आए दिन नए फरमान सुनाकर किसानों को परेशान कर रहा है। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन अपना फरमान वापस नहीं लेता तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ट्यूबवेल जो नहर के साथ लगे लगवा के किसानों ने अपनी जमीन में ट्यूबवेल लगे हुए हैं जिसपे कनेक्शन भी है, वो ट्यूबवेल कई की 7-10-20 सालों से लगे हुए हैं, उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर इन ट्यूबवेलों को उखाड़ो आप यहाँ से। मतलब ये कैसे नए फरमान रोज सुनाए जा रहे हैं, पराली के नाम पे पहले प्रताड़ित किया गया, अब ट्यूबवेलों के नोटिस निकाले जा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। यदि हमारी ये बात ये सरकार ये प्रशासन सरकार ना मानेगा तो एक बड़ा आंदोलन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे।